अरे जल्दी लाओ, बस चली जाएगी फिर। ये लो भैया, 30 रुपए हुए। दे रहा हूँ, अभी देख मजे लेता हूँ उसके। भैया जल्दी करना ना, बस चलने को है। हाँ हाँ दे रहा हूँ, रुक जा। ये ले। अरे ये तो 500 का है, रुक मैं तेरे को खुले देता हूँ। भैया दो ना, बस चली जाएगी। हाँ रुक जा, सबर कर ले थोड़ा। ये ले तेरे 30 रुपए। भैया थोड़ा नीचे। ये ले भैया। अरे हो गया यार, दे दे अब, थोड़े तो बजे लेंदे, रुक ना। ये ले तेरे पैसे। भैया 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 मेरे पैसे। भैया क्या? वो उस दिन के पैसे रह गए थे। तो वो तो बस चल पड़ी उस दिन, इसमें नहीं दे पाया तेरे पैसे। भैया वो मतलब नहीं था हमारा, हम तो बस आपको याद दिला रहे थे। देख साहब याद है मैं, समझी, आज खुले पैसे नहीं है, ले ले किसी और दिन। भैया अब हम रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, आज मिल जाता तो अच्छा होता। तू ये बार बार टोक करके क्या कहना चाहती है, तेरे पैसे लेके भाग जाऊंगा? नहीं भैया। तो फिर देख, रोज इसी रूट से आता हूँ, ले लियो पैसे किसी और दिन। जल्दी चलते हैं वरना लेट हो सकते हैं। अरे भैया आप, भैया आज हमारे पैसे मिल जाएंगे क्या? पैसे? हाँ आओ, तुम्हारे पैसे देता हूँ। तान्या तुम चलो, मैं आता हूँ। तूने 30 रुपए के लिए इसे राह चलते रोक दिया मेरे को। ये ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमें पैसों की जरूरत थी और फिर 3-4 दिन हो गए थे ना इसलिए तूने मेरी गर्लफ्रेंड के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। 30 रुपए ले अपने 30 रुपए। धोखे की औकात नहीं है, मेरे से बहस कर रही थी। May I come in, sir? Yeah, I'll just talk to you. Just a second. Good morning, sir. Sir, I'm Amit. New joining here. Sir, वो offer letter के लिए किसे बात करूँ? हाँ, talk to HR. I think वो 1-1.5 घंटे में free हो जाएंगे, तो आप ले सकते हो। Okay, sir. And make sure कि offer letter ले लो, क्योंकि जब तक offer letter मिलेगा नहीं, तब तक तुम officially hired नहीं। Okay, sir. Amit. जी मैम। गुड आफ्टरनून, आपको कुछ काम था? मैम ऑफर लेटर चाहिए था मेरे को। ऑफर लेटर? जी। ऑफर लेटर के लिए तो आपको मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जाना चाहिए था। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट? मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के हेड मिस्टर सुजीत ही आपको ऑफर लेटर देंगे। ठीक है मैम, मैं सुजीत सर से कोऑर्डिनेट करता हूँ। सॉरी आई फॉरगॉट, शायद मिस्टर सुजीत बाहर गए हैं किसी काम से, तुम शाम तक वेट करो, वो आ जाएंगे। शाम तक? ठीक है मैम, मैं वेट करता हूँ। ओके। मैम, मैम वो सुजीत सर। सुजीत सर तो भी आए नहीं, कल ही आना, और ऑफिस आवर्स भी खत्म होने वाले हैं। ओके बाय। May I come in, sir? Yeah. सर ये 2 दिन से क्या चल रहा है ऑफिस में? एक ऑफर लेटर के लिए हर कोई मुझे यहाँ से और वहाँ घुमा रहा है। अरे इट्स माय मिस्टेक, एक्चुअली तुम्हारा ऑफर लेटर मेरे पास है, ये लो। थैंक यू सर। लो। अरे ले क्यों नहीं रहे हो? लो ना। सर आप, सर क्या मिल रहा है आपको सब करने में? वही जो तुम्हें मिल रहा था उस मूफली वाले को परेशान करके। मतलब? मतलब जिस दिन तुम यहाँ इंटरव्यू के लिए आ रहे थे उसी दिन बाय चांस मेरी गाड़ी वहाँ खराब हो गई और मैं उसी बस में था जिस दिन तुमने उस मूफली वाली के साथ बदतमीजी। सर वो तो बस मजाक कर रहा था मैं। मजाक था?
एक इंसान को डिसरिस्पेक्ट करना तुम्हारे लिए मजाक था। ये ले तेरे पैसे। भैया 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 मेरे पैसे। ले अपने 30 रुपए। I'm sorry सर, मैं समझ गया आप मुझे क्या समझाना चाह रहे थे। अपने मजे के लिए मुझे ऐसे किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। मैं अपनी इस गलती को सुधारूंगा सर। I'm sorry। तुम्हारा ऑफर लेटर। थैंक यू सर। सुनो जी भैया, मुझे तुम्हारा ये सारा सामान खरीदना है। सारा सामान? हाँ, ये लो पैसे। भैया आपको पता है हम आज अपने भाई के स्कूल की फीस इकट्ठा कर रहे थे, हम बहुत परेशान थे। देखिए आप भगवान बन के आ गए हमारे लिए। नहीं नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, बस मुझे मेरी गलती पता चल गई तो माफी मांगने आया था। अरे नहीं भैया, गलती तो इंसान से ही होती है। हम एक काम करते हैं, हम ये सारा सामान लगा देते हैं। ठीक। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कॉमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।